आप देख रहे हैं IBN 9 और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। आइए मुखातिब होते हैं अभी के ताज़ातरीन हालातों से। भाजपा शासित राज्य कोरोना संक्रमण से मृत्यु के आंकड़ों को छिपा रहे हैं, ये आरोप प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया है। उनका कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार ने मार्च 2020 में आदेश जारी करके स्पष्ट किया था कि WHO ने कोरोना को महामारी घोषित किया है। इसके लिए कोरोना महामारी से पीड़ित परिवार में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की राशि मुआवजे पर बतौर प्रदान की जाएगी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार एवं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आज तक इस आदेश को लागू नहीं किया। ऐसा क्यों किया गया, इसका जवाब केंद्र एवं राज्य सरकार को देना चाहिए। यादव ने कहा कि जानकारी के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकार कोरोना संक्रमितों की मृत्यु होने पर मुआवजा देने के आदेश को अब तक लागू करने की तैयारी ही कर रही है। ऐसे में भाजपा शासित राज्यों में मृत्यु दर जानबूझकर छिपाई जा रही है, जिसका प्रमुख कारण है मुआवजा कम कोरोना संक्रमित पीड़ित परिवारों को दिया जाए। सरकार की यह नीति कोरोना संक्रमित परिवारों के साथ खुला अन्याय है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव की मौत होने पर मुआवजे के लिए जब आवेदन किया जाएगा तब इसके साथ कुछ दस्तावेज बेहद ज़रूरी है, जिसमें कोरोना से मौत का प्रमाण पत्र एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार का सक्षम अधिकारी की सत्यापन का रिपोर्ट, कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ ही हॉस्पिटल से प्रमाणीकरण होने के पश्चात ही मुआवजा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को आगे चलकर कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। संक्रमितों को चाहिए कि वे कोरोना के जांच की रिपोर्ट को हमेशा संभाल कर रखें। जब भी चिकित्सक के पास जाएं तो चिकित्सक के समक्ष सर्वप्रथम कोरोना जांच की रिपोर्ट को ही रखें, क्योंकि चिकित्सक उसी रिपोर्ट के आधार पर आपका इलाज कर पाएंगे। प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने यह भी कहा कि हमें जानकारी मिली है कि कोरोना जांच केंद्रों व अस्पतालों में बिना रजिस्ट्रेशन कोरोना जांच की जा रही है तथा मरीजों को बिना रिपोर्ट दिए ही मौखिक रूप से बताया जा रहा है कि वे कोरोना पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। प्रशासन कोरोना संक्रमितों के सही आंकड़े को छुपाने के लिए ऐसा घातक कदम उठा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति बहुत भयावह हो गई है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पूरी तरह सरकार के साथ है और अपने सुझाव भी देके लगातार ये कोशिश कर रही है कि जनता को कोरोना संक्रमण से राहत मिले, लेकिन अमूमन यह देखा जा रहा है कि शासन प्रशासन और सरकार मृतकों की संख्या छिपा रही है, आंकड़े कम करके बता रही है। यह अपने आप में बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमित जो भी व्यक्ति की मृत्यु होगी उसको 4 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश पारित किया था। उस आदेश की कॉपी भी मैंने जारी की है, 1 साल हो गया है लेकिन उस आदेश को दबा के रखा गया है। अब ऐसी जानकारी लगी है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कुछ समय बाद कोरोना संक्रमित को जो मृत्यु हुई है उन पीड़ितों को मुआवजा देगी और उनकी लिस्टिंग करेगी, लेकिन आज जिस तरीके से कोरोना संक्रमितों की मृत्यु को कम बताया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, उससे उस समय उन पीड़ितों को ना तो मुआवजा मिलेगा, ना कोई आर्थिक सहायता मिलेगी, ना उनको कोई सरकारी मदद मिलेगी। यह अपने आप में गंभीर अपराध है, जघन्य अपराध है जनता के प्रति। क्या कारण है कि आंकड़ा छुपाया जा रहा है? देखिए, केंद्र सरकार का एक आदेश मैंने दिया है जिसमें 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति मुआवजा केंद्र सरकार ने देना तय किया था। इसके बाद भी आज उस आदेश का पालन नहीं हुआ है। ये मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जवाब दे कि उस आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ है, और बीजेपी शासित राज्यों में यह निर्देशित किया गया है कि कम संख्या बताई जाए, क्योंकि बाद में जब सरकार इनको मुआवजा देगी 23 के लगभग, जब 24 के चुनाव आएंगे उसके पूर्व, तो वो संख्या काफ़ी कम रहेगी और उन पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन जिसके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है, किसी के परिवार में कोई कमाने वाला चला गया है, उसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, कोरोना टेस्ट जितने हो रहे हैं उसमें जानकारी सही तरीके से नहीं दी जा रही है, टेस्ट की रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। अगर किसी की डेथ होती है तो डॉक्टर ये प्रमाणित नहीं कर रहे हैं उसकी डेथ को, कोरोना से उसको एक्सपायर हुआ, अन्य कारण लिखे जा रहे हैं। ये सारी बातों की जानकारी जब पीड़ित को नहीं दी जाती है तो उसके हितग्राही को वो लाभ नहीं मिलेगा। खबरों का सिलसिला यूं ही बादस्तूर IBN 9 के साथ जारी रहेगा। आप बने रहिए IBN 9 पर। हर खबर का होता है असर, हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। अगर आपको पसंद है हमारी खबर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और आपके पास है अगर कोई विज्ञापन या खबर तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करें।